अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हां पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ? तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध, और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। किंतु वे जो सामने खड़े हैं वे इस युद्ध के पश्चात सबके सब होंगे ना केशव? सबके सब होंगे ना? ये होना और ना होना क्या है पार्थ? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी, और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए वही स्थित प्रज्ञ है, और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यान तांतितिक्षस्व भारत। हे भारत, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं, और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है?
आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ, व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अब किस चिंता में हो पार्थ? हे जनार्दन, क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने, जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं ना करता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हाँ, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म के श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। हे पार्थ, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ? जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है,
वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है, इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है, और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है केशव? और स्वयं तुम क्या हो पार्थ? स्वयं तुम कौन हो? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। और मैं क्षत्रिय हूं केशव। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ, तो द्रोण शिष्य भी न होते। और हे कौंतेय, कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो, तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है, उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है, अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा, और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आत्मा तो मरता नहीं, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मेरा हाथ तो अब भी गांडी की ओर नहीं बढ़ रहा है केशव। मेरी समझ में तो अब भी यह नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। लाभ हानि ये दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं धनंजय। मैं जानता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख की कामना नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ। मुझसे तो अब भी नहीं उठा जा रहा है केशव। अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था पार्थ। जो जीवन के आर पार देख सकती है,
और सत्य की गहराई में झांक कर उसकी अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है। किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में उलझ गए। तो व्यावहारिक कर्म की तुला में इस क्षण को तोलकर देखो पार्थ। व्यावहारिक कर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य के विषय में निर्णय लो, तब भी तुम इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि तुम्हारे लिए इस युद्ध में भाग लेना आवश्यक है। यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूं केशव, नहीं ले पा रहा हूं। तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुला में तोल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है, और इसीलिए तुम्हारा ये कायर पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। ये शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो। कर्म कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ, परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। कुछ तो करोगे ही, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। और योग क्या है किशा? योग क्या है? वही तो बता रहा था पार्थ। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है,
मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशल। हे केशव, किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ, तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका यह संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ, मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बात की थी। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है, यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है।
सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाएं। परंतु मुनि, प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। इसलिए हे पार्थ, जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है, क्योंकि वो तो इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है, और जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है, क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है। मुनि की रुचि सामने की समस्याओं के साथ साथ उन समस्याओं के समाधान में भी है, और यही उसे सामान्य पुरुष से अलग करती है। पार्थ, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे पार्थ, सत्य इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। ऐसा नहीं कि मुनि को भूख नहीं लगती, लगती है, परंतु वो अपनी भूख के परे देखता है और ये सोचता है कि भूख का उपचार क्या है। इसीलिए सामान्य मनुष्य का दिन मुनि के लिए रात है, और जो सामान्य मनुष्य की इस रात से अपने को बचा ले वही स्थित प्रज्ञ है। सामान्य मनुष्य तो उन नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती हैं, और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती हैं। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियां सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती हैं, परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है, तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। हे ऋषिकेश, हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लोहुलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं? केशव, आप मुझे इस लोहुलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं? हे केशव, आपने तो मुझे उलझा दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं ये भयानक कर्म करूं क्यों? क्यों युद्ध करूं केशव? क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं? मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखलाइए। केशव, मुझे मार्ग दिखलाइए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है, और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों ना चलूं? किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलके हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कर्ण हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ, वो आंखें बंद करके नहीं जीता।
कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब ये भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। इसलिए कर्म तो आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो शरीर का निर्वाह संभव ही नहीं। किंतु हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष की भांति कर्म करो, ज्ञानी पुरुष की भांति। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है। इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझे को लो। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। सक्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्ताह चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि पितामह, गुरुजनों
और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ, कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी। इसलिए हे पार्थ, युद्ध करो, क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता। पाप की बात निकल आई है तो ये बताइए किशा, कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, या धूल दर्पण को, या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नले न च। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है, और इसीलिए ज्ञानी की वैरी है। हे कौन्तेय, अग्नि को स्वच्छ बनाओ, दर्पण को परिशुद्ध करो, और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध करो। इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठतर है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की चिंता करो, और देह, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था, और सूर्य से ये मनु को मिला, और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा। सूर्य को दिया था आपने? ये योग सूर्य को दिया था? परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्य देव को दिया होगा? बोलिए केशव। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हां पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हा पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, और युग युग में जन्म लेता हूं। किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ, कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षाग्रह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्रहरण न हुआ होता, और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्रहरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ,
किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है। और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मुझे देखो पार्थ, इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, और जो इस रहस्य को समझे पार्थ, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हे भारत, कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो। और कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है केशव? कर्म तो कर्म है ही, किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है, और जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में न हो वो विकर्म है, निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जो अकर्ता है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है और वही कर्मयोगी है। उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है, और इसीलिए वो एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता, बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है। उसके ज्ञान की अग्नि मोह क्रोध द्वेष आकांक्षा लाभ हानि सुख और दुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है, और उसका कर्म अकर्म बन जाता है, और वो कर्ता से अकर्ता। और ये अकर्ता, ये ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त अपने लिए और कुछ नहीं करता। उसके शेष कर्म समाज कल्याण के लिए होते हैं। ये मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता, उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है। तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो, और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो। और यज्ञ क्या है केशव? अलग अलग लोग यज्ञ की परिभाषा भी अलग अलग करते हैं पार्थ। कुछ लोगों के लिए यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है। कुछ लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो उनके लिए पूजा ही यज्ञ है। कुछ साधक आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना को यज्ञ कहते हैं। इन्हीं यज्ञों की भांति इनमें दी जाने वाली आहुतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं। कोई धन की आहुति देता है तो कोई कर्म की, किंतु वास्तव में यज्ञ चार प्रकार के हैं। पहला द्रव्य यज्ञ है, इसमें अर्जित द्रव्य और धन को समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाता है, अर्थात ये लोक सेवा यज्ञ है। दूसरा तपो यज्ञ है, जब कोई अपने कर्म को अपनी तपस्या बना लेता है तो उसका जीवन तपो यज्ञ बन जाता है। हे पार्थ, अपने धर्म का पालन भी यज्ञ है, किंतु ये धर्म सांप्रदायिक नहीं,
सनातन है। यह व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए कल्याणकारी है। तीसरा यज्ञ योग यज्ञ है। इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है और इसमें लोग ध्यान और समाधि का मार्ग अवलंब करते हैं। प्राणों का प्राणों में हवन किया जाता है। चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। यूं तो पार्थ चारों ही यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, परंतु श्रेष्ठतम है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर करता है और अपनी अग्नि में तपाकर कर्म को शुद्ध करता है और शुभ बनाता है। ज्ञान ही तो कर्म के उत्कर्ष का चरम बिंदु है और ज्ञान ही तो तुम्हें मोह बंधनों से मुक्त कराएगा। पार्थ, हे पार्थ, पाप के सागर को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। वो क्यों और वो कैसे? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म सन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही, ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म सन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना, लेना न लेना, छोड़ना न छोड़ना, और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है, और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवांभसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और नौ द्वारों वाले शरीर रूपी घर में मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो, और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं, जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। ये युद्ध तुम्हारा धर्म है तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। कौन मरेगा या कौन जिएगा यह तुम्हारी समस्या नहीं है। हे पांडव, लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो, और संशय द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो, जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने वही परम श्रेष्ठ है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता, अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो, तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे कौंतेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं,
मैं ही अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूं। मैं सब में हूं पार्थ, किंतु सबसे अलग भी हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं निर्गुण हूं। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सबका आधार हूं पार्थ, मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ। ग्रीष्म भी मैं और वर्षा भी मैं हूं। और हे पार्थ, मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूं। मैं सबका अति प्रिय मित्र हूं, किंतु सबके लिए एक जैसा हूं। न कोई मुझे प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, आप परब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानू कैसे, आपको पहचानू कैसे, कृपया विस्तार से मुझे बताइए, कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे गुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भी सुनो। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं। वेदानाम साम वेदोस्मी, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा हूं। मैं गजों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेषनाग हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां।
मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अक्षरों में अकार हूं, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं, मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ, मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं। हे कमलनयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। हे विश्वमूर्ति, हे अनंत, हे नारायण, हे दया सागर, जैसे मित्र मित्र को, पिता पुत्र को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे ही आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे कुंती नंदन, मित्र और मित्र, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो स्थान ही नहीं है। इन संबंधों का आधार है स्नेह, श्रद्धा और भक्ति। मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्त तमामताः। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं वे ही संसार में नहीं उलझते, क्योंकि हे पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद सवेदवित्। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो,
पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो।